चिड़िया नाल थे बाज लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम दरावा। जी हाँ, आज की वीडियो बिल्कुल सटीक बैठती है इस मुहावरे पर, क्योंकि यहाँ पर हम आज कंपेयर करेंगे अमेज़फिट बिप यू का सीधा सीधा एप्पल वॉच से। तो दोस्तों, एप्पल वॉच की बात करें तो एप्पल वॉच अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों। यहाँ पर आपको GPS मिलता है, सर्कुलर मोड मिलता है, आप कॉल कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने सीधे सीधे एप्पल वॉच पे। दोस्तों यहाँ पर आपको लेटेस्ट सेंसर्स मिलते हैं, ECG सेंसर मिलता है जिसे आप ECG अपने हार्ट की कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, और यहाँ पर आपको 5 GHz का वाईफाई सपोर्ट भी दिया गया है। दोस्तों इसको आप फिटनेस बैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं, आपको कॉल फंक्शंस मिलते हैं इस एप्पल वॉच के अंदर, और यहां पर बैटरी बैकअप की बात करें तो यह भी आपको 18 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप मिल जाता है। दोस्तों आप इसे पहनकर स्विमिंग कर सकते हैं, जी हाँ, ये वाटर रेजिडेंट है, 50 मीटर्स तक आप इसको डीप लेकर जा सकते हैं। दोस्तों उस अलग आपके मोबाइल फोन्स की जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी आपको आपके स्मार्ट वॉच पर ही मिल जाती हैं। साथ में बता दूं उसमें मैग्नेटिक चार्जर आपको मिलता है, और यहाँ पर आपको 2 कोर का प्रोसेसर भी मिलता है। जी हाँ, उससे अलग iOS को सपोर्ट करती है, आप इसे एंड्रॉयड में यूज़ नहीं कर सकते। इंटरनल मेमोरी की बात करें तो तकरीबन 32 GB के आसपास का इसको इंटरनल मेमोरी जो है वो दिया गया है, जो कि काफ़ी ह्यूज है। आप अपने फोटोज़, गाने वगैरह आप इस वॉच के अंदर सेव कर सकते हैं। दोस्तों सेंसर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको SpO2 सेंसर मिल जाता है, और इलेक्ट्रिकल हार्ट रेट सेंसर भी मिलता है जो आप अपनी स्मार्ट वॉच पर देख रहे हैं। तकरीबन 4 सेंसर्स इस वॉच को दिए गए हैं, जिसमें कंपास भी है। दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा फंक्शंस हैं, आप ये इनके थ्रू जो है आप अपने हार्ट रेट की ECG भी कर सकते हैं। और अपने स्मार्ट वॉच को ओपन करने के लिए आपको इसको पासवर्ड भी देना पड़ेगा, यानी कि सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। वहीं अगर हम अमेज़फिट बिप यू की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको SpO2 सेंसर मिलता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट मिलती है, साथ में आपको कंटीन्यूअस हार्ट रेट सेंसर भी मिलता है, लेकिन वो वेरिएशन में होता है, यानी कि जब आप रनिंग या एक्सरसाइज करते हैं तो ही वो कंटीन्यूअस होता है, अदरवाइज तो ये आप 1 मिनट या फिर 2 मिनट, 5 मिनट के टाइम ड्यूरेशन पर आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ही जो वॉलपेपर्स हैं वो आप सेट कर सकते हैं, बाकी इसके अंदर इसकी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, लेकिन इंटरनल मेमोरी में सिर्फ 2 ही वॉलपेपर्स इसके सेंड हो सकते हैं। दोस्तों उससे अलग बात कर लें तो काफ़ी लाइट वेट है, और इसकी कीमत भी सिर्फ 3,499 ही है। तो कंपेयर कर लेते हैं इसको एप्पल वॉच से जो आपको पहले दिखाई है, और देख लेते हैं कि इनके सेंसर्स में कितना फ़र्क है और कितनी एक्यूरेसी दोनों के अंदर मिल जाती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले आप लुक देख लीजिए कैसा लग रहा है दोनों का लुक, मतलब थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है ही, एप्पल वॉच थोड़ी बड़ी है, यहाँ थोड़ा कम है, छोटी है, मतलब अमेज़फिट बिप यू। तो दोस्तों अब सेंसर की बात करें तो इसका हार्ट रेट मॉनिटर को हमने एक्टिवेट किया है। यहाँ पर एप्पल वॉच में आपको कॉन्टिन्यूस मिलता ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी दोनों की अगर हम हार्ट रेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सिमिलैरिटी है, क्योंकि हमें अमेज़फिट बिप यू 83 दे रही है तो यहाँ पर एप्पल वॉच 86 दे रही है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेम आने में देखा जाए तो थोड़ा बहुत कम बराबर है। अब एक चीज़ और है दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एप्पल स्मार्ट वॉच के अंदर आपको कॉन्टिन्यूस हार्ट रेट के साथ साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अमेज़फिट बिप यू में आपको ऑलवेज डिस्प्ले ऑन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको या तो अपनी रिस्ट को ट्विस्ट करना पड़ता है या फिर आपको इसके बटन को दबाना पड़ता है, तभी आप इसके डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं। बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ 18 घंटे का है, लेकिन यहाँ पर यकीन मानिए दोस्तों, मैं दोनों वॉच में से अमेज़फिट बिप यू को ज़्यादा नंबर दूंगा, क्योंकि यहाँ इसके बैटरी बैकअप कम से कम 4 दिन का निकलता है। साथ में यहाँ स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी है जो कि एप्पल वॉच में आपको नहीं मिलती है। तो दोस्तों हार्ट रेट सेंसर में कोई मुकाबला नहीं है, दोनों बिल्कुल एक्यूरेट हैं, एक दो हार्ट बीट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए चलते हैं इसके SpO2 मॉनिटरिंग पर, यानी कि ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग पर। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो देख लेते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। सबसे पहले हम एप्पल वॉच को ऑन करते हैं तो यहां पर 99 का जो है हमें दिखा रहा है, 99 ऑलरेडी जब हमने पहले किया था तो 99% दिखा रहा था ब्लड ऑक्सीजन। और अब बात कर लेते हैं अमेज़फिट बिप यू की, तो दोस्तों अमेज़फिट बिप यू भी यहां शॉकिंग करने वाला रिजल्ट दे रही है, क्योंकि अमेज़फिट बिप यू ने जब हमने इसको ब्लड ऑक्सीजन को चेक किया था तो उसने हमें 100% का ब्लड ऑक्सीजन दिया था। फिलहाल एप्पल स्मार्ट वॉच रिजल्ट नहीं दे रही बिकॉज वो गलत जगह पर लगी हुई है। जी हाँ, इसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर होनी चाहिए रिस्ट पर, तभी ये ब्लड ऑक्सीजन देती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी ECG की। ECG का फंक्शन आपको वहां पर नहीं मिलता है, लेकिन
एप्पल स्मार्ट वॉच में मिलता है जो कि ImageFit BPU में नहीं मिलता है। तो एप्पल स्मार्ट वॉच पे आप देख सकते हैं ECG किस तरीके से काम करता है। आपको फिंगर को इसके बटन पर लगाना पड़ता है और ये पूरी ECG को आपको एक्यूरेट करके दे देता है। दोस्तों यहाँ पर एप्पल वॉच यहाँ पर हार्ट अटैक्स को चेक नहीं करता है। जब आप देख सकते हैं जहाँ सेकंड चल रही है उसके नीचे लिखा हुआ भी है नोट एप्पल वॉच नेवर चेक्स फॉर हार्ट अटैक्स। जी हाँ, ये आपको सिर्फ आपकी ECG बताता है और आपको अलर्ट करता है अगर आपकी ECG अनइवन होती है तो आपको फिंगर के थ्रू और या वाइब्रेशन के थ्रू आपको बताता है कि भैया ये आपका थोड़ा ना अनइवन हो रहा है, यू नीड टू सी ए डॉक्टर। लेकिन यहाँ पर आपको डॉक्टर ही बताएंगे कि वो हार्ट अटैक है कि नहीं है, क्या है। लेकिन बहुत पहले एक न्यूज़ भी आई थी कि हार्ट अटैक से बचाया है एक करीबन 75 ईयर्स के ओल्ड इंसान को इस एप्पल वॉच ने। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रस्ट कम इस एप्पल वॉच पे कर सकते हैं, लेकिन सही मायने में ये आपको हार्ट अटैक्स के बारे में नहीं बताता है, बस आपकी हार्ट बीट्स अनइवन हो तो उसको चेक करता है। दोस्तों बात करें एप्पल स्मार्ट वॉच के बैंड की, तो दोस्तों प्लास्टिक बैंड है। यहाँ पर आपको काइंड ऑफ सिलिकॉन मिलता है जो कि इसको ज़्यादा सॉफ्ट हो नहीं होता, मतलब थोड़ा नॉर्मल सा रहता है, ना तो हार्ड है ना सॉफ्ट है, लेकिन एक सही मायने में एक अच्छा वॉच इसको आप कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको फंक्शंस बहुत मिलते हैं, आप इसके जो स्क्रीन्स हैं उसको चेंज कर सकते हो और यहाँ पर बहुत सारे स्क्रीन्स हैं यार, अगर आप देखना चाहोगे आप देखिए इतने सारे स्क्रीन्स आपको मिल जाएंगे। आप खुद कहेंगे यार बताओ कौन सा सेलेक्ट करूं, मतलब हर दिन एक भी लगाएंगे तो भी यहाँ स्क्रीन्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। तो दोस्तों बहुत सारी स्क्रीन्स मिलती हैं और हर एक में आपको हार्ट रेट की फैसिलिटी भी मिलती है और ये सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरी है कि आप कौन सा लगाएं कौन सा नहीं लगाएं, डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है, उसको उसी आधार पर आप अपने जो डिस्प्ले है स्क्रीन है आप वॉच की आप वो चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बढ़िया फंक्शन है स्मार्ट एप्पल वॉच के अंदर जो कि दूसरी घड़ियों में इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। वैसे भी यहाँ पर आपको दो कोर और तकरीबन 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, तो यहाँ बहुत सारी स्क्रीन्स आप सेव कर सकते हैं जो कि दूसरी वॉच में नहीं मिलती है। कंपेयर करें दोनों स्मार्ट वॉच को तो यहाँ पर लुक की बात कर लें सबसे पहले दोस्तों, तो लुक जो है वो एप्पल वॉच का ज़्यादा बेहतर है। और वजन की बात करें तो दोस्तों हमारी ImageFit BPU बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो करीबन 5 घड़ियों को आप इकट्ठा रखेंगे तो जाकर भी एप्पल स्मार्ट वॉच को कंपेयर करेगी वजन के मुकाबले। तो इतनी ज़्यादा लाइट वेट है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बस यहाँ पर फ़र्क एक है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे स्किन्स मिल जाती हैं और ImageFit BPU में सिर्फ आपको 2 ही स्किन्स मिलती हैं और कोई स्किन्स नहीं मिलती है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलता है ImageFit BPU में, लेकिन आपको एप्पल स्मार्ट वॉच में ये मिल जाता है। तो दोस्तों आपको कौन सी घड़ी सबसे ज़्यादा बेहतर लगी, कौन सी अच्छी लगी, किस घड़ी पर आप जाएंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक ही कीमत है 3,500 रुपये और दूसरी स्मार्ट वॉच की कीमत है तकरीबन 50,000 से 60,000 रुपये, डिपेंड करता है आप कौन सी स्मार्ट वॉच लें। तो दोस्तों 3,500 रुपये से 50,000 रुपये की घड़ी का मुकाबला था। और सेंसर की बात करें तो दोनों सेंसर जो हैं बिल्कुल सेम है, यानी कि आपको SpO2 और हार्ट बीट्स तो साथ में देंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जिसकी कीमत आपको तकरीबन 50,000-55,000 के आसपास ज़्यादा चुकानी पड़ सकती है। तो आप सेलेक्ट करके बताइए मुझे, कमेंट करिए कि आप कौन सी वॉच पर जाएंगे। और साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा।